प्रयागराज में प्रशासन की कार्रवाई से डरे लोग खुद अवैध निर्माण गिराने में लगे हुए हैं। हिंसा प्रभावित अटाला इलाके में आज सुबह से कई जगहों पर अवैध निर्माण को लोगों ने खुद तोड़ा और एक्शन से बचने के लिए हथौड़ा उठाया। लोग रविवार को जावेद मोहम्मद के घर पर हुई कार्रवाई से डरे हुए हैं। यही वजह है कि खुद ही अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शेख मुजबीर नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 9 देसी पिस्तौल, 10 कारतूस और 15 किलोग्राम बारूद जब्त किया गया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर यह बरामदगी हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हथियारों और गोला बारूद को कहां पहुंचाया जाना था, इसका पता लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह शहर में आज पांचवें दिन भी कर्फ्यू जारी है। यहां इंटरनेट सेवा भी ठप है। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को पहचान पत्र दिखाकर आने जाने दिया जा रहा है। भद्रवाह में पिछले वासुकी मंदिर में तोड़फोड़ की गई और फिर रैली के दौरान मस्जिद से भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसके बाद से ही इलाके में तनाव फैल गया। बाद में यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया। नोएडा पुलिस ने गोमांस की तस्करी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 58 थाना पुलिस ने मुठभेड़ में चारों गो तस्करों को दबोचा। पहले सेक्टर 62 में हुई मुठभेड़ में जुनैद नाम के शख्स को देसी तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर बाकी के 3 और गो तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पकड़े गए रिजवान शहजाद और सिराजुद्दीन के पास से 1500 किलो गोमांस बरामद हुआ। उज्जैन में क्राइम ब्रांच की टीम ने हवाला कारोबारी के 2 ऑफिसों पर छापेमारी की है, जिसमें 50,65,000 रुपए कैश बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान नकदी के साथ साथ नोट गिनने की 2 बड़ी और 3 छोटी मशीनें भी बरामद हुई है। इसके साथ ही एक रजिस्टर भी बरामद किया गया है, जिसमें कारोबार से संबंधित हिसाब लिखा जाता था। क्राइम ब्रांच ने दोनों ऑफिसों को सील कर दिया है। मेरठ की पॉश कॉलोनी साकेत में बदमाशों ने हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाश दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और घर में मौजूद 4 लोगों को बाथरूम में बंद कर दिया गया। इस दौरान बदमाशों ने घर से 25 तोले सोने के जेवर, नकदी और करीब 1 किलो चांदी के सिक्के बर्तन लूट लिए। हरिद्वार में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती में शामिल 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये डकैती 8 जून को हुई थी। पुलिस ने लूटे गए जेवर और नकदी बरामद कर लिए हैं। गिरोह के पास से चुराई गई आधा दर्जन से ज्यादा बाइक भी बरामद की गई है। एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस टीम को 25,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की है। हालांकि मुख्य सरगना अभी भी फरार है। उत्तराखंड के काशीपुर में एक ट्रैफिक कांस्टेबल की फुर्ती ने एक बच्चे की जान बचा ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बच्चा अपनी मां के साथ ई रिक्शा में जा रहा था और चौराहे पर ई रिक्शा के अचानक मुड़ने की वजह से बच्चा गिर गया। ट्रैफिक कांस्टेबल ने दौड़कर बच्चे को उठा लिया और पीछे से पहुंची बस को रोकते हुए बच्चे की जान बचा ली गई। मथुरा में सीएनजी पंप के गोदाम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ही गोदाम में आग लगी थी। कानपुर के शीतला बाजार में आज आग लग गई। ये आग प्लाईवुड के गोदाम में लगी। गोदाम में आग की बड़ी बड़ी लपटों और धुएं देखकर बाजार में हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल विभाग की 8 गाड़ियों को भेजा गया। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वक्त पर दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से आग को फैलने से रोका जा सका। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कंडी रेंज में आग लग गई। ये इलाका कांची मोड़ जंगल क्षेत्र में स्थित है। यह जंगल सड़क से दूर है, जिससे आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को परेशानी हुई। राजौरी के जंगलों में इन दिनों लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। शुक्रवार को मंदिर गाला और फरवाला के जंगलों में आग लग गई थी। राजस्थान के बाड़मेर में लगातार बारिश ने शहर के हालात को बिगाड़ कर रख दिया है। बाड़मेर में लगातार बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। बारिश के बाद शहर के बाजारों और गलियों में जल जमाव से कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। बारिश के कारण पूरे शहर की बिजली भी 5 घंटे के लिए गुल हो गई है। बारिश के बाद कई गाँव का मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया। गुवाहाटी के बोरा गांव इलाके में लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत हो गई है। चारों मृतक मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे थे। एसडीआरएफ के जवानों ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से शवों को बरामद किया। वहीं लगातार बारिश से गुवाहाटी की अधिकांश सड़कें पानी में डूब गई है।
इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया। एक सिरफिरा आशिक शख्स तलवार लिए पहुंच गया। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उसे तलवार छीन ली और उसे हिरासत में ले लिया। सतीश नाम का ये शख्स नशे में था और बार बार अपनी जान को खतरा बताकर कलेक्टर से मिलने की बात कह रहा था। एमपी के खरगोन में सामूहिक विवाह की एक सरकारी योजना में घुसखोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में एक शिक्षक और ग्राम पंचायत के सचिव को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर इनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।